हेलो फ्रेंड्स, वाह, वेलकम टू अनसरकारी जर्नल स्टडीज पेपर वन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क्स कैरी करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड ऑल्सो टू एक्सप्लेन योर सेल्फ इन सच ए वे दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। देर आर सर्टेन वेज एंड एलिमेंट्स जिसके तरीके से आंसर राइटिंग में हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। हेयर इज एन एग्जाम्पल एंड इट्स अ इनिशिएटिव एंड एफर्ट कि आपको समझ में आए कि आपको किन एलिमेंट्स को अपने आंसर में लाना चाहिए। नो आंसर इज ए परफेक्ट आंसर, एवरी आंसर इज अ मॉडल आंसर इन इट्स ओन वे। द गोल इज नॉट कि आप जो लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं, द गोल इज टू गिव यू सम मोर आइडियाज। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो लर्न सर्टेन ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल्स जो आपको हेल्प करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इट विल बी रियली अप्रिशिएटेड। सो क्वेश्चन नंबर वन आई एम टेकिंग अबाउट, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या पूछा गया है। द 1857 अपराइजिंग वॉज द अल्टीमेट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ द रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रेबेलियन दैट हैड अकर्ड इन द प्रिसीडिंग 100 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। इलुसिडेट, यानी 1857 की क्रांति कल्मिनेशन थी, पीक था वो पिछले 100 वर्षों में होने वाले रेबेलियंस का, चाहे बिग स्मॉल या लोकल जैसे भी रेबेलियंस थे। तो अब क्या इसमें आप 1857 रिवोल्ट की बात करेंगे, क्या इसमें आप जो है उससे शुरुआत करके पीछे जाएंगे, या पीछे से शुरुआत करके आगे आएंगे, या अलग अलग मेथड से। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो 1857 रिवोल्ट वॉज द फर्स्ट कलेक्टिव रिवोल्ट बाई इंडियंस इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और बड़े टर्मिनोलॉजी हो सकती है कि 1857 रिवोल्ट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिवोल्ट अकरिंग एट द सेम टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऐसा कह सकते हैं। अब आपने पहले ही कह दिया ऑल्दो इट फेल्ड, तो ऑल्दो इट फेल्ड बट इट शुक द कोर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो फेल आप पहले क्यों बोल रहे हैं, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इट क्रिएटेड ग्रेट कॉन्शियसनेस, इट क्रिएटेड ग्रेट जील, इट क्रिएटेड ग्रेट मोटिवेशन फॉर द फ्यूचर एंड इट सोड द सीड फॉर इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, वो ज़्यादा अच्छा होता। फिर आपसे बोला गया जबकि कैसे वो कल्मिनेशन था रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रेबेलियंस का, तो सन्यासी रेबेलियन इन बंगाल, कोल अपराइजिंग बिहार उड़ीसा अगेंस्ट द रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, फरेजी रेबेलियन 1818 बाई दादू मियाँ, फर्स्ट नो टैक्सेशन मूवमेंट, संथाल अपराइजिंग 1857, दिकूज फॉरनर्स, मनी लेंडर्स इन्फ्लुएंसिंग, ऑल दीज रेबेलियंस वर लोकल इशू स्पेसिफिक, डिड नॉट कोऑर्डिनेट फॉर लार्जर कॉज, वेयर इज 1857 फॉर द फर्स्ट टाइम लैंड ओनिंग क्लास डिस्पोज जमींदार साहूकार दुआर अटेम्प्टेड टू यूनाइट अगेंस्ट ब्रिटिश कोऑर्डिनेट रेबेलियन, रेबेलियन हैड लेयर अपील देन लोकल इश्यूज मल्टीपल कास्ट क्लास सेक्शन पार्टिसिपेटेड, वंडरफुली डन। लेकिन अगेन मैं दोबारा क्वेश्चन पे जाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कैसे वो लोकल स्मॉल और बिग रेबेलियंस को उसने कल्मिनेट किया, यानी वो सारे एलिमेंट जो पहले वाले उसमें थे रेबेलियंस और रिवोल्ट में, क्या वो 1857 रिवोल्ट में प्रेजेंट थे? जी प्रेजेंट थे। तो इसको और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप बता सकते हो कि भाई एक दो लाइन हमें लिखनी चाहिए थी कि कैसे 1857 रिवोल्ट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ द डिससेटिस्फैक्ट्री, और यू कैन से इट वॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश बाई द क्लासेज विच वर इम्पैक्टेड एंड अफेक्टेड बाई द रिवोल्ट बाई द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश रूल। सो दे वर द वन हु अंडरस्टूड इट्स कॉलोनियल कैरेक्टर, कॉलोनियल कैरेक्टर हु अंडरस्टूड इट इकोनॉमिक कैरेक्टर, इकोनॉमिक कैरेक्टर रिफ्लेक्टेड बाई सन्यासी रिबेलियन, अंडरस्टूड इट्स रेवेन्यू पॉलिसीज एंड डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द रूरल लाइफ एंड ऑल्सो ट्राइबल लिविंग एज रिफ्लेक्टेड बाई द कोल अपराइजिंग ऑफ 1832। रेवेन्यू पॉलिसीज, सन्यासी रेबेलियन में फूड ग्रेन्स की बात भी आप ला सकते हैं। सिमिलरली इंडियंस ऑल्सो अंडरस्टूड दैट द ब्रिटिश आर लुकिंग फॉरवर्ड, ब्रिटिश आर डिवाइडिंग इंडिया ऑन कॉमन लाइन्स, ऑफ फरेजी रेबेलियन वॉज सपोर्टेड नॉट ओनली बाई द मुस्लिम बट ऑल्सो बाई द लोअर कास्ट एंड ऑल्सो बाई द कॉमन पेजेंट्स, एंड एज ए पार्ट ऑफ ट्राइबल कॉलोनियलिज्म संथाल रेबेलियन फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एटीट्यूड एंड दैट इज वाई दे वर अगेंस्ट डिकूज मर्शनरीज मनी लेंडर्स एंड दे वर लुकिंग फॉरवर्ड दे वर ट्राइंग टू प्रिजर्व देयर कॉमुनल देयर कॉम्युनिटी बेस्ड सिस्टम। तब आप फिर कहते कि 1857 रिवोल्ट हैड यू नो नॉट ओनली डिसग्रंटल्ड जमींदार्स बट ऑल्सो ट्राइबल्स बट ऑल्सो यू नो रूरल रूरल एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम जिसे हम कहते हैं राजा
या आप क्या रॉयल एलिमेंट्स आई वांट टू से, तो उसमें आप कुल्लू की बात लेके आते, खालसा राज की बात लेके आते, खालसा मुगल राज की बात की थी पंजाब में, फिर आपके जैसे अब वो वीर कुंवर सिंह की बात करते हैं हम, उनकी बात आएगी, रानी चेन्नम्मा की हीरोइक्स को लक्ष्मीबाई आगे लेके आई, तो ये आंसर का फिर स्वरूप ही बदल जाता। इसमें आप सारे एलिमेंट ले आए, लेकिन ये क्लासिकल अप्रोच है और ये अप्रोच इनोवेटिव और बन सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द लिंकेज बिटवीन द 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसा एंड द एमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। लिंकेजेस बताने हैं इंडियन रेनेसा में, इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में नहीं, इंडियन रेनेसा में, पुनर्जागरण में, और नेशनल आइडेंटिटी कैसे बनी। तो 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसा वॉज बेस्ड ऑन रिफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रिवाइवलिज्म ऑफ द एंशियंट ग्लोरी ऑफ इंडियन सोसाइटी। सिर्फ उस पर नहीं थी इंडियन रेनेसा, इंडियन रेनेसा वॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न आइडियाज, इट वॉज रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग इन द वेस्ट एंड ऑल्सो वट इंडिया हैड ऑलरेडी विद दैम एंड देवर ट्राइंग टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड। सो इंडियन रेनेसा हैड सर्टिन की एलिमेंट्स इंक्लूडिंग, फिर आप करते ए बी सी डी, ए अंडरस्टैंडिंग ग्लोरियस सिविलाइजेशन ऑफ पास्ट, बी अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स प्लूरल नेचर ऑफ इंडिया। अब पहले और दूसरे में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, दे वर ऑल इम्पैक्टिंग। अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट साइंटिफिक एलिमेंट इन इंडियन लिटरेचर, फॉर एग्जाम्पल वेदास, तो ब्रह्म समाज की बात आ जाएगी, ब्रह्म समाज ने उसको इंटरप्रेट किया। एंड ऑल्सो गिविंग ड्यू वेटेज टू मॉडर्न आइडियाज अलॉन्ग विद नेचुरल कल्चरल सोशल एंड ऑल्सो सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया, थोड़ा सा उसको भाव दिया हमने दिया। दैट इज वाई मॉडर्न थॉट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, ये थॉट्स भी हमारे एंशियंट उससे लिंक हुए। तो इससे आइडेंटिटी क्या बनी, इससे नेशनल आइडेंटिटी क्या बनी, जो आपने खुद भी लिखा है, ज्योतिबा फुले का समाज हो गया, बंकिम चट्टोपाध्याय का आनंद मठ हो गया, तो इससे जो है इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी हुई। बहुत बढ़िया कि उससे हुई, डिविनिटी ऑफ वेदास वाज प्रिवेंट वाज प्रेजेंटेड अगेंस्ट मोनोथीज्म बाय आर्य समाज। ओके, ब्रह्म समाज ब्रेकिंग कास्ट, तो इससे नेशनल आइडेंटिटी क्या बनी, इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी बनी कि भारत एकता में अनेक, अनेकता में एकता है भारत, ये नेशनल आइडेंटिटी बनी। Everyone is having their own space. Downtrodden must be given space to come up. That is why anti-caste movements भी उसका element है. Everyone is, you know, resurgence. Everyone is fighting for their own. भारत माता का concept आया. तो national identity emerged under Indian Renaissance was an organic, बिल्कुल सही बात है, bottom up, made possible विवेकानंद, अरबिंदो, श्री अरबिंदो, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, सभी आएंगे रेनेसा के पार्ट आएंगे। तो आई थिंक बहुत अच्छी कोशिश की है, इट्स अ वंडरफुल एफर्ट, बट देन आंसर इज लिटिल कॉम्प्लेक्स एंड इट इज कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज, बट ये एकदम सिंक, SYNC, सिंक्रोनाइजेशन इसका अगर और हो जाए और थोड़ा सिंपल हो जाए, कम थोड़ा मसाला हो, तो आंसर और भी बहुत बेहतर हो सकता है। इट इज अ वंडरफुल एफर्ट। मैनी वॉइसिस हैड स्ट्रेंथन्ड एंड एनरिच्ड द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधियन फेज, ये आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इलाबोरेट करना है तो गांधियन मूवमेंट आपने बताया, मास मूवमेंट, पैन इंडिया, पार्टिसिपेशन ऑफ खिलाफत, हिंदू वॉइसिस, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, किसान सभा, वुमेन, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने डिपिक्ट किया। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंडर गांधियन मूवमेंट वॉज सीन, वुमेन स्टूडेंट वर्कर पार्टिसिपेटेड इन पिकेटिंग, खादी प्रमोशन, बॉयकॉटिंग, फॉरन क्लोथ, स्कूल इंडस्ट्रीज, पेजेंट इशूज, वुमेन इशूज, इंडस्ट्रीज, एंड देन यू हैव क्लैरिटी अवेयरनेस रिगार्डिंग, उसके बाद जो है फर्दर रिवोल्यूशनरीज लाइक राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब चीज़ें हुई। आपने बहुत अच्छा दिया, पैन इंडियन गांधीज़म, बहुत अच्छा, आई थिंक इट इज अ वंडरफुल एफर्ट, वेल रिटन, एंड यू आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ आइडियाज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF भी आपको इसका मिलेगा नीचे, यू विल फाइंड द PDF अटैच्ड विद द वीडियो, प्लीज डू गो थ्रू इट एंड ट्राई टू लिंक ऑन योर ओन, और इसमें आपको टाइम स्टैम्प भी मिलेंगे। Assess the role of British imperial power in complicating the process of transfer of power during the 1940s. Assess the role of the British imperial power in complicating the process of transfer of power. तो ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब हम यहाँ क्या समझे, हम ये समझे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो, भारत का बंटवारा नहीं होने वाला था अगर ब्रिटिश चाहता तो, या हम सोचे कि बंटवारा हो रहा था और ब्रिटिश ने उसमें क्या रोल किया, या पार्टीशन इतना हॉरेबल नहीं हो सकता था, क्या हम सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इट कॉम्प्लिकेटेड द प्रोसेस, यस डेफिनेटली ट्रू। 1940s के बाद देर वॉज अ चांस कि भारत का बंटवारा नहीं होता तो ब्रिटिश का रोल क्या रहा, ब्रिटिश प्लेड अ काइंड ऑफ अ कॉलोनियल रोल, इट इट प्लेड अ काइंड ऑफ अ अथॉरिटेरियन रोल इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्टक अप इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
तो बिल्कुल सही बात का, अगस्त ऑफर दे डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्वराज इवन डोमिनियन स्टेट व्हेन दे वर गेटिंग एंग्शियस ऑफ यूरोपियन थिएटर डिफीट ऑफ फ्रांस एंड स्ट्रेच रेवेन्यू ब्रिटेन दे ऑफर्ड क्रिप्स मिशन, बिल्कुल सही बात का, बट द पावर स्टिल विद वाइसरॉय। इवन पोस्ट वॉर कैबिनेट मिशन 1946 वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड स्टिल दे हैड अपर हैंड इन नेगोशिएशन फॉर द सेल्फ रूल ऑफ इंडियंस एज दे स्टिल बिलीव दैट दे कुड रूल दे कुड होल्ड इंडिया फॉर मोर टाइम। होम पॉलिटिक्स इवन मेड प्रोसेस स्लोअर। इट वॉज ओनली आफ्टर आईएनए ट्रायल रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी इन 1946 दैट दे फील दैट दे कुड नॉट होल्ड एम्पायर फर्दर प्रॉप्ड अप इंडियन इंडिपेंडेंस 1947। बिल्कुल, लेकिन आपने जो इसमें आपने जो कॉम्प्लिकेशन में जो आपने मुस्लिम लीग और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका जो नेगेटिव रोल था उसको कैसे ब्रिटिश ने फ्लोट करके रखा, उसको भी अगर आप लेके आते तो शायद आपको एक मार्क्स और इस आंसर में मिल सकता था। दैट्स व्हाट वी कैन से। सो गो थ्रू दिस वीडियो, अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स, गेट बैक विद योर फीडबैक एंड योर कम्युनिकेशन। वी आर नॉट परफेक्ट बट वी स्ट्राइव फॉर द बेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू द बेस्ट। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Write and understand. We run different courses in a customized manner so that each and every candidate can learn and to hold on their own fort and get success. Thank you very much. Wishing all of you all the best.